बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, खबर तो बड़ी अफसोसनाक है और इस वक्त फ़लस्तीन जो है वहाँ पे क़यामत बरपा है और इसराइल ने वहाँ क़यामत ढा दी है, क़यामत बरपा कर दी है। वो किस तरह से, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त कौम मुत्तहदा के बाद जो इस्लामी दुनिया की इस्लामी ममालिक की तंजीम है OIC, वो भी नाकाम हुई है और फिर एक दफ़ा मुर्दा घोड़ा साबित हुई है। वो किस तरह, इस पर बात करेंगे। और सबसे मैंने आज सलूट करना है ईरान को कि फ़लस्तीन इसराइल के मसले पर इस वक्त इसराइल के साथ मेरा तो ख्याल अमेरिका समेत पूरी जो दुनिया है उस दरिंदे का साथ दे रही है, लेकिन इस्लामी ममालिक में अगर इस फ़लस्तीन के साथ खड़ा है डट कर तो वो ईरान है और ईरान को सलूट करना चाहिए। और जो इस्लामी ममालिक हैं ये क्यों फ़लस्तीन का साथ नहीं दे रहे, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और सबसे आखिर में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान PTI के चेयरमैन ने जेल के अंदर साइकिल मांग ली है और साइकिल की डिमांड की है उन्होंने हुकूमत से, और इस पर भी हम बात करेंगे कि वो कौन सी साइकिल है जो इमरान खान चाहते हैं। और जज का बड़ा प्यारा जवाब था, उस पर भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और दुनिया सारी के जुल्म एक तरफ, और इस वक्त फ़लस्तीन पर जो इसराइल है ये दरिंदगी के पहाड़ तोड़ रहा है। और तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसराइल भेड़िया बन गया है। और इसराइल ने जिस तरह से फ़लस्तीन पर क़यामत ढाई है, इसके मनाजर आप अपने TV स्क्रीन पर देखते हैं और जुल्म की इंतहा है। वो इसराइल दरिंदा जिसके मुंह को इंसानों का खून लग गया है, वो नहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। कल जुल्म की इंतहा देखें कि मस्जिद और अल्लाह का घर होता है और उसके बाद हॉस्पिटल मज़लूम और सिक्स की इंसानियत वहाँ होती है। उनका तो पूरी दुनिया के जालिम से जालिम लोग भी एहतराम करते हैं, लेकिन इसराइली दरिंदों ने और इसराइल जालिमों ने और इसराइली भेड़ियों ने कल जो है वो गज़ा के अंदर फ़लस्तीन का जो एक हॉस्पिटल था वहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद थे, वहाँ पे हमला कर दिया और 1000 के करीब वहाँ पे जो बम गिराए, उसके नतीजे में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी और वो डॉक्टर्स और वो नर्सें जो ज़ख्मियों का इलाज कर रहे थे वो शहीद हो गए, उन्हें शहीद कर दिया गया। वो बच्चे जो टेलीफोन अपनी स्क्रीन पर देखें आप कि वो बच्चे जो चंद लम्हे पहले खेल रहे थे और वो ज़ख्मी जिनका डॉक्टर नर्सें पैरामेडिकल स्टाफ इलाज कर रहा था, लोग खून दे रहे थे। वहाँ पे इसराइली बदमाशों ने, दरिंदों ने और भेड़ियों ने और सूअरों ने, मैं तो सूअर कहूँगा उन्हें, कि सूअरों ने, क्योंकि सूअर जो होता है नाज़रीन ये उंदा जिसको कहते हैं, ये फसलें भी खाता है और इंसानों को भी खा जाता है और ये जुल्म की इंतहा करता है। और इसराइल तो सूअर से भी आगे निकल गए हैं और उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल हमला किया और तहस-नहस कर दिया, उन सब कुछ तहस-नहस कर दिया। 1000 से लोग जो थे इसराइली बमबारी के बायस वो लुकमा अजल बने और अपने अल्लाह से जा मिले। और वो ज़ख्मी जो सिसक रहे थे, जो ज़िंदगी लेने आए थे, इसराइल के दरिंदों ने उनको मौत दे दी और उन पर बम बरसाए। और दुनिया के सूरमे जो हैं वो उनकी, मैं दूसरी तरफ आपको बात बताऊँगा कि जुल्म की इंतहा देखें कि एक तरफ तो इसराइल वहाँ बमबारी कर रहा है नहत्ते फ़लस्तीनियों पर जिनके हाथों में गलेल हैं और जिनके हाथ में डंडे भी नहीं हैं, कंकरियाँ हैं, उन पर बम बरसा रहा है, दुनिया के जदीद तरीन बम बरसा रहा है और जुल्म की इंतहा कर रहा है। और इसराइली जारियत और जो बदमाशी है और जो जुल्म है, इसको बंद करवाने के लिए कौम मुत्तहदा जो लौंडी है अमेरिका की, वो तो नाकाम रही, क्योंकि उन्हें गोंगलवा तो मिट्टी चाड़ी और फिर ख़त्म हो गया। इसराइल को क्या ज़रूरत थी इसराइल की कि कौम मुत्तहदा जो है वो कहती है हम आप पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं, और जे गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर जो नहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हो, जो अपनी आज़ादी चाहते हैं, जो इसराइली यहूदियों से आज़ाद होना चाहते हैं, जो किबला अव्वल को आज़ाद कराना चाहते हैं तो उनका जो आवाज़ है खामोश की जा रही है। तो उसको अमेरिका बहादुर जो कहता है कि मैं चैम्पियन हूँ दुनिया का और इंसाफ जो है वो जहाँ पे जुल्म होता है वहाँ पे मैं कार्रवाई करता हूँ। फ़लस्तीन का मंज़र देखें, शाम का मंज़र देखें, लीबिया, इराक़ और इसके बाद जनाब वाला कुवैत, वहाँ पर इन्होंने क्या हासिल किया है नसूरमों ने और अब वहाँ करवा रहे हैं। तो कौम मुत्तहदा नाकाम हुई वहाँ अमन कायम करवाने की और इसराइल की बदमाशी बंद करवाने में। उसके बाद जो है वो मुसलमानों की मुसलमान मालिक की जो तंजीम है उसको ख्याल आया और पाकिस्तान और सऊदी अरब की दरख्वास्त पर OIC का इजलास सऊदी अरब में हो रहा है इस वक्त और कहा जा रहा है कि वहाँ से भी खबर आई है कि वो कुछ नहीं कर सके, गोंगलवा तो मिट्टी चाड़ रहे थे नकम्मे और बुज़दिल मुसलमान हुक्मरान। और मैं क्या सुनाऊँ आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि सिर्फ़ अजलास के अंदर जो OIC का अजलास जारी है, मुस्लिम ममालिक का तकरीबन 56 के करीब जो है मुल्क के वज़ीर ख़ारजा वहाँ शरीक हैं और सऊदी अरब मेज़बानी कर रहा है और इस मसले पर अजलास बुलाया गया और वहाँ पे ज़ीरो कारकर्दगी रही। सिर्फ़ एक ईरान बबर शेर का बच्चा है, उनके वज़ीर ख़ारजा ने मुतालबा किया अजलास में आकर कि इस वक्त जो फ़लस्तीन है ये जुल्म ढा रहा है, ये बर्बरियत की एक नई तारीख रकम कर रहा है, मुसलमान के खून, मुसलमानों के बच्चों, औरतों के खून से ये अपना मुंह रंग रहा है और इस सूअर के जो मुंह को जो खून लग गया है। तो उन्होंने कहा कि इस पे कम से कम मुसलमान ममालिक अपने अपने मुल्कों में इसकी अशिया पर पाबंदी आयद कर दें और इसका बाइकाट करें। हर चीज़ों का जो इसराइल की चीज़ें हैं, मेड इन इसराइल है, उनका कम से कम इन पर पाबंदी लगाएं और अपने अपने मुल्क के अंदर इसकी चीज़ों का बाइकाट करें। लेकिन इस पर भी इतफ़ाक़ नहीं किया अभी और सिर्फ बात मजम्मत तक आगे नहीं बढ़ सकी। और OIC भी, मैं तो फिर शुरू से कहता हूँ कि ये एक मुर्दा घोड़ा है और मुर्दों की एक तंजीम है, चूँकि एक तरफ इसराइल है जो हमारे मुसलमान भाइयों फ़लस्तीन के नहत्ते लोगों को निशाना बना रहा है और दुनिया के ताकतवर तरीन बम वहाँ पर फेंक रहा है और तबाही मचा रहा है। ना मसाजिद को इसराइल छोड़ रहा है, ना इंसानों को छोड़ रहा है, ना हस्पतालों को छोड़ रहा है, ना डिस्पेंसरियों को छोड़ रहा है, ना बाज़ारों को छोड़ रहा है और यहाँ तक कि उसने गज़ा के अंदर पानी भी बंद कर दिया मुसलमानों पर। तो क्या ही अच्छा होता कि आज उस अजलास में ऐलान कर दिया जाता जिसमें कम से कम 5-6 मुल्क शामिल हो जाते कि भाई अपना ये बदमाशी बंद कर वरना ईंट से ईंट बजा देंगे, इतना काफ़ी था। और बुज़दिल यहूदी जो है वो अपने बिलों में जैसे चूहे घुसते हैं वहाँ घुस जाते, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो नाज़रीन, वहाँ पर दिल खराश वाक़यात हैं, फ़लस्तीन के अंदर ना खुराक है और वहाँ पे ना पानी है, ना रोटी है, ना अद्वियात हैं, कैद पड़ चुका है हर चीज़ का। और हर तरफ से इसराइल दरिंदे जो हैं वो गोलियाँ बरसा रहे हैं और इसराइल की दरिंदगी आखिरी हदें पार कर गई है और उन्हें रोकने वाला अल्लाह के बाद कोई नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि या अल्लाह अपने नाते मुसलमानों की जो आपके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं उनकी मदद के लिए फ़रिश्ते भेज और उनकी मदद फरमा और इसराइल को निस्तो नबूद फरमा। इंशाअल्लाह दुआएं रंग लाएंगी। अब तक की जो सूरत हाल थी वो यही है कि इसराइल में क़यामत का इसराइल जो है फ़लस्तीन में क़यामत बर्पा कर रहा है और क़यामत ढा रहा है और बेगनाहों का कत्लेआम कर रहा है, उन्हें शहीद कर रहा है, उनकी अमलाक तबाह कर रहा है, उनकी फसलें तबाह कर रहा है। वो सूअर हो चुका है दरिंदा और वो उंदा, वो उसकी तमाम चीज़ें जो है फ़लस्तीन की निस्तो नबूद कर रहा है और मुसलमान एक बीगी बिल्ली की तरह देख रहे हैं। वजह क्या है नाज़रीन इसकी कि ये तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं इनकी एक सही है वो कानी है, अमेरिका से डरते हैं और इस तरह के जो ममालिक हैं उनसे डरते हैं कि अगर हमने इसराइल के ख़िलाफ़ जो है बात की तो वो हमारे रोटी बंद कर देगा, लेकिन रोटी देने वाला तो अल्लाह है। तो इसके बाद नाज़रीन ये ताज़ा तीन सूरत हाल हमने आपको बताई है वहाँ की। अब चलते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान की सियासत की तरफ। नाज़रीन आज बड़ी मज़ेदार ख़बर है कि इमरान खान का वकील आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा जी इमरान खान ने साइकिल की डिमांड कर दिया। नाज़रीन साइकिल जो है ये इमरान खान मांग रहे हैं तो इस पर जज साहब ने फरमाया कि साइकिल क्या करनी है, उनका जी वर्जिश करनी है, उस पर चढ़ के ऊपर चढ़ेंगे साइकिल पे इमरान खान और वर्जिश करेंगे जेल के अंदर। तो जज साहब ने कहा कि अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर जो साइकिल है ये इसको जो सुप्रीडेंट जेल है उसने इस्तेमाल कर लिया और वो पूरी जेल में घूमता रहा साइकिल पे चढ़ के तो फिर क्या होगा। तो वकील ने कहा जी कि इमरान खान सब चाहते हैं कि उनकी सेहत जो है वो गिर रही है वो बरकरार रहे और वर्जिश के तकाजे हैं कि उन्हें साइकिल दे दी जाए। इस पर जो है अभी तक फैसला नहीं हुआ कि साइकिल कौन सी इमरान खान को देनी है, शराब देनी है या कोई चाइना की देनी है, या साइकिल जो है वो मेड इन पाकिस्तान होगी, या साइकिल जो है वो मेड इन जापान होगी, या किसी भी कंपनी की होगी। तो इसका भी फैसला बाकी है, लेकिन इमरान खान ने डिमांड कर दिया कि साइकिल दें। अब तीसरी खबर ये है नाज़रीन हमारे पास कि नवाज शरीफ की तैयारियां जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं, और आज तो जो नौ दौलतिये हैं मलिक सैफुल मलूक खोखर, जिनका अभी रिसेंटली उन्हें लाहौर का सदर बनाया गया है, तो उन्होंने आज बड़ा ऐलान कर दिया कि 21 अक्टूबर को जलसा मनारे पाकिस्तान में नहीं होगा, पूरे लाहौर में होगा, और पूरे लाहौर को जलसा गाह में तब्दील कर, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा झूठ। तो इसका मनाज़र तो हम 21 को देखेंगे, लेकिन चूँकि मलिक सैफुल मलूक खोखर चूँकि उन्हें लाहौर की सदारत भी मिली है, उसे सीनियर लोग ख्वाजा अहमद अहसान साहब मौजूद थे, ख्वाजा इमरान अजीज साहब मौजूद थे, मियाँ मरगूब साहब मौजूद थे, और इस तरह और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मौजूद थे, और ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी बड़ी कुर्बानी है, वो भी मौजूद थे। उन्हें छोड़कर मलिक सैफुल मलूक को अकरबा परवरी के तौर पर लाहौर की सदारत दी गई। तो ज़ाहिर है वो ज़ोहर तो दिखाएँगे, पैसा उनके पास खूब है, प्रॉपर्टी डीलर भी वो रहे हैं और प्रॉपर्टी से तल्लक भी है। तो ये है कि वो इसके लिए बयानबाजी जारी है। अब देखना यह है कि 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ पहला जलसा करते हैं, जेल की यात्रा करते हैं। इसके लिए जो है नून लीग वो मुतहरक है कि उन्हें कैसे बचाना है। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा खबरें। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।